आपका स्वागत है जेबी ऑनलाइन क्लासेस बाय ट्रेकी गुरु में। सभी को मेरा नमस्कार प्रणाम। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। और अपना जो टॉपिक चल रहा था वो था मेले और त्यौहार, और मेले और त्यौहार की कड़ी के अपने आश्विन तक कर लिए थे। आश्विन के बाद में जो आज जो है वो है कार्तिक माह है। कार्तिक माह है या इसको बोलते हैं काती। तो पहले दो पक्ष एक होता है कृष्ण पक्ष या इसी को बोलते हैं बदी पक्ष, कृष्ण या बदी, और दूसरा शुक्ल या सुदी पक्ष, शुक्ल या सुदी पक्ष। तो पहले अपने महीने की शुरुआत होती है कृष्ण पक्ष के अंदर, तो कृष्ण पक्ष के त्यौहार करते हैं। तो देखो कृष्ण पक्ष के अंदर कैसे कार्तिक, कैसे कृष्ण और करवा चौथ। पहला त्यौहार कौन सा आता है? करवा चौथ। तो गाइस किस प्रकार याद करोगे, कैसे कार्तिक, कैसे कृष्ण, कैसे करवा चौथ। इसके बाद में दूसरा आता है धनतेरस। दूसरा कौन सा? धनतेरस। धनतेरस के बाद में चौथा आता है रूप चतुर्दशी। तीसरा कौन सा है? रूप चतुर्दशी। और चौथा है दीपावली। तो कृष्ण पक्ष में कितने त्यौहार है? चार। कौन कौन सी? करवा चौथ, धनतेरस, रूप चतुर्दशी और दीपावली। इसके बाद में करते हैं शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष के अंदर पहला आता है गोवर्धन पूजा। गोवर्धन पूजा और इसी दिन अन्नकूट महोत्सव। कौन सा आता है शुक्ल पक्ष में? पहला त्यौहार गोवर्धन पूजा और अन्नकूट महोत्सव। दूसरा त्यौहार कौन सा है? भैया दूज या भाई दूज, और इसी को क्या बोलते हैं? यम द्वितीया। इसी को क्या बोलते हैं? यम द्वितीया भी कहा जाता है। तीसरा त्यौहार देव उठने एकादशी। देव उठनी एकादशी कब आती है? कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन। कौन सी? देव उठनी एकादशी। और जो चौथा त्यौहार आता है कार्तिक पूर्णिमा। कार्तिक पूर्णिमा के अंदर मेले लगते हैं, तीन बड़े मेले, और इसी दिन गुरु नानक जयंती भी आती है। पहला मेला लगता है पुष्कर में, पुष्कर मेला। दूसरा श्री कोलायत मेला। पुष्कर मेला अजमेर के अंदर, पुष्कर अजमेर, और श्री कोलायत, श्री कोलायत में बीकानेर। और तीसरा मेला लगता है सिखों का सावा मेला। सावा कहां पर है? चूरू के अंदर। क्योंकि इस दिन क्या मनाई जाती है? गुरु नानक जयंती। इस दिन क्या मनाई जाती है? गुरु नानक जयंती मनाई जाती है। तो गाइज कौन कौन से त्यौहार है? पहला कौन सा? करवा चौथ। पहला करवा चौथ, दूसरा धनतेरस, तीसरा रूप चतुर्थी और चौथा दीपावली। इसके बाद में गोवर्धन पूजा, भैया दूज, देव उठनी एकादशी और कार्तिक पूर्णिमा। तो इस माह के अंदर चार त्यौहार मनाए जाते हैं। तो पहला है करवा चौथ, कैसे कार्तिक, कैसे कृष्ण और कैसे करवा। तो करवा चौथ कब आती है? कार्तिक, कृष्ण चौथ से चतुर्थी। तो पहला कौन सा? करवा चौथ कार्तिक कृष्ण चतुर्थी के दिन मनाई जाती है। इस दिन जो महिलाएं होती है अपने पति की दीर्घायु के लिए
व्रत करती है। इसके अंदर ये जो करवा वर्ड है ये क्या चीज है? करवा छोटे कुल्लड़ को कहा जाता है। किसको? छोटे कुल्लड़ को कहा जाता है। छोटे कुल्लड़ को क्या कहा जाता है? करवा कहा जाता है। और इसमें जो व्रत करती है किसका व्रत रखती है? चौथ माता का व्रत रखती है। किसका व्रत करती है? चौथ माता का। तो चौथ माता का मंदिर कहां पर है? चौथ माता का मंदिर चौथ का बरवाड़ा और ये कहां पर है? स्वाई माधोपुर में। तो कार्तिक कृष्ण चतुर्थी के दिन कौन सा? करवा चौथ। करवा क्या होता है? छोटा कुल्हड़। और इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए कौन सा व्रत रखती है? चौथ माता का। तो चौथ माता का मंदिर कहां पर है? चौथ का बरवाड़ा स्वाई माधोपुर के अंदर। इसके बाद में है धनतेरस। दूसरा त्यौहार कौन सा है? धनतेरस कब आती है? तेरस है तो तेरस को आएगी कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी। तेरस को क्या बोलते हैं? त्रयोदशी। कब आती है धनतेरस? कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी। और इस दिन एक धातु की पूजा होती है। धातु का विशेष महत्व रहता है। कौन से धातु का? ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो धातु कौन सा है? धनतेरस के दिन चांदी धातु का विशेष महत्व। किसका? चांदी धातु का विशेष महत्व है। इसके बाद में आगे जो त्यौहार आता है वो है रूप चतुर्दशी। कौन सा है? रूप चतुर्दशी कब आती है? कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी के दिन कब आती है? कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी के दिन कौन सा त्यौहार? रूप चतुर्दशी। और इसी को क्या बोला जाता है? छोटी दिवाली या फिर कानी दिवाली, या फिर कानी दिवाली। इसको रूप चतुर्थी क्यों मनाया, क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस दिन घरों की साफ सफाई वगैरह की जाती है, ठीक है। और इसके बाद में आती है दीपावली यानी कि कार्तिक अमावस्या। कार्तिक अमावस्या। और इस दिन कौन सा त्यौहार आता है? दीपावली, दीपों का त्यौहार। तो एक बार मेरे साथ में दोबारा से रिपीट, करवा चौथ कब आती है? कार्तिक कृष्ण चतुर्थी के दिन। और करवा किसे कहते हैं? छोटे कुल्लड़ को। और इस दिन महिलाएं अपने पति की दीर्घायु के लिए किसका व्रत? चौथ माता का। चौथ माता का मंदिर चौथ का बरवाड़ा स्वाई माधोपुर में। इसके बाद में धनतेरस, कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी और इस दिन चांदी धातु का विशेष महत्व। इसके बाद में रूप चतुर्दशी, कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी, इसे क्या कहते हैं? छोटी या कानी दिवाली। और कार्तिक अमावस्या को दीपावली। और गाइज यहां पे एक त्यौहार और रहा है बीच के अंदर, आंवला नवमी। तो कार्तिक माह में नौ त्यौहार है। दीपावली मैं वीडियो पहले से डाल चुका हूं, दीपावली से एक दो दिन पहले, तो अब वो वीडियो आप वहां से देख लीजिए। कल अपने जो टॉपिक करेंगे वो गोवर्धन पूजा से करेंगे। तो गाइज आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कॉमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। थैंक यू सो मच।